All right, now we've got the next passage, and the title of the passage is Employees Health and Safety Responsibilities. Employees का मतलब है workers, workers की सेहत और हिफाजत की ज़िम्मेदारी। अब कैसे उनकी सेहत और हिफाजत की ज़िम्मेदारी होगी? This passage is all about that. और आगे लिखा हुआ है your rights. Your का क्या मतलब होगा? Employees rights. फिर आगे लिखा हुआ है your responsibilities. इसका क्या मतलब होगा? Employees सिबिलिटीज राइट right? अच्छा जी अब आइएगा क्वेश्चन पे फिफ्टीन टू ट्वेंटी टू कंप्लीट द नोट बिलो चूज वन वर्ड ओनली अब यह वर्ड कहां से आएगा पैसेज में से आएगा आसमान से थोड़ी आएगा कोठे से आएगा नहीं पैसेज से आएगा और जैसा यह वर्ड पैसेज में लिखा होगा वैसा ही लिखना है अगर वो हाइफन के साथ है हाइफन के साथ अमेरिकन स्पेलिंग है ब्रिटिश है एग्जैक्ट कॉपी करना है उसको खुद से टेम्पर नहीं करना ठीक है ओके हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क सबसे पहले आ गया इंप्लॉय राइट्स वहां पर देखें लिखा हुआ है योर राइट्स इसका क्या मतलब है ये सारे आंसर आपको इतने से पोर्शन में जो बुलेट पॉइंट्स हैं वहां पे मिलेंगे सेकंड है इंप्लॉयिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्वेश्चन में लिखा हुआ है पैसेज में नजर आया योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसका मतलब है ये वाले आंसर्स आपको इधर मिलेंगे अब आपको इजी हो गया कि समझ आ गया कि कौन से आंसर्स कहां पे मिलेंगे ठीक है अच्छा अब इंप्लॉइज राइट right और याद रखिएगा मैंने पहले भी बताया इंप्लॉइज के लिए वर्ड यूज करेंगे यू मतलब अस्यूम कर रहे हैं कि इसको पढ़ने वाले इंप्लॉयज हैं अब अगर मैं कुछ लिखता हूं मैं कहता हूं यू हैव टू कम ऑन टाइम जब आप पढ़ रहे हैं ना यू हैव टू कम ऑन टाइम का मतलब आई हैव टू कम ऑन टाइम राइट सो इंप्लॉइज राइट्स आर इस्टिशेब्लिश का वर्ड अंडरलाइन करें बाय अब इंप्लॉयिज के जो राइट्स हैं वो किसने उनको दिए हैं क्वेश्चन क्या है फॉलोइंग के साथ आपको कॉलन नजर आ रहा है कॉलन अब ये कॉलन जरा पैसेज में ढूंढे कहीं पे नजर आ रहा है हा आर के बाद हाँ, इसका मतलब है इतने पोर्शन में आंसर होगा अब ये भी एक टिप है आर ई आर योर राइट्स के बाद जो सेंटेंस खत्म हो रहा है बुलेट पॉइंट से पहले जो है वहाँ पे अच्छा अब हम देखते हैं कि ये इंप्लॉयिज को राइट्स किसने दिए हैं मैं ये पढ़ रहा हूँ योर राइट्स प्लीज फॉलो मी योर राइट्स योर राइट्स एज एन एम्प्लॉय टू वर्क इन अ सेफ एंडी इनवायरमेंट आर सेट डाउन इन लॉ सेट डाउन का मतलब है इस्टेब्लिश इनका मतलब है यहाँ पे बाय तो किसने दिए ये राइट्स लॉ आंसर इज लॉ एम्प्लॉयज राइट्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय एंड योर राइट्स एज एन एम्प्लॉय टू वर्क इन अ सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट आर सेट डाउन इन लॉ क्लियर हो गया आंसर इज लॉ अच्छा अब आगे एक और पॉइंट है और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन तो उस जो सेकंड पॉइंट उसमें डेंजर का वर्ड लिखा हुआ है डेंजर का मतलब है हैज ऑल दैट इसका मतलब है कि आप एक आध बुलेट पॉइंट छोड़ देंगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे आए एनी डैश नीडेड फॉर एम्प्लॉयज आप इंप्लॉयिज़ को अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है टू वर्क काम करने के लिए सेफ्टी के लिए यानी कोई भी सेफ्टी की चीज़ जो इम्प्लॉयज़ को जरूरत पड़ती है कि मैं काम कर रहा हूं मुझे दस्ताने चाहिए मैं काम कर रहा हूँ मुझे एनक चाहिए मैं काम कर रहा हूँ मुझे हेलमेट पहनना है तो कोई भी चीज जो उनको चाहिए होती है शुड बी फ्री अब देखना ये है कि वो कौन सी चीज है जिसकी इंप्लॉयज को काम करते हुए जरूरत पड़ेगी और वो फ्री होगी फ्री की जगह पे वर्ड आ सकता है विदाउट एनी चार्ज दे डोंट हैव टू पे इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट अब वापस आए सेकेंड बुलेट पॉइंट पे आए अब एम्प्लॉयज राइट्स क्या हैं टू बी गिवन एनी पर्सनल प्रोटेक्टिव एंड सेफ्टी

और आमतौर पे इन फॉर्म की जगह पे वो यूज़ कर सकते हैं वर्ड इनफॉर्म टेल रिपोर्ट इम्प्लॉयज़ कैन रिपोर्ट द मैनेजमेंट इम्प्लॉयज़ कैन टेल द मैनेजमेंट इम्प्लॉयज़ कैन समथिंग सो इम्प्लॉयज़ में इंफॉर्म मैनेजमेंट ऑफ एनी डैश दे हैव रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी अब हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो इम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट को इनफॉर्म कर सकते हैं सब लोग आए फोर्थ बुलेट पॉइंट पे Yes, टू टेल टू टेल का मतलब है इनफॉर्म टू टेल योर इंप्लॉयर अबाउट एनी हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न वेल डन और उसने क्या बोला दे हैव रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी का क्या मतलब है? safety concerns. अब आंसर क्योंकि उन्होंने प्लूरल लिखा हुआ है आप भी एज इट इज इसको कॉपी करके यहां पे लिख देंगे करेक्ट आंसर इज कंसर्स देखें लिस्िंग आपका लिस्निंग में और रीडिंग में जो आपके आंसर्स हैं वो ना तो केस सेंसिटिव हैं मतलब केस सेंसिटिव का मतलब है कि आप कैपिटल में लिखें स्मॉल में लिखें फर्स्ट कैपिटल रेस्ट स्मॉल लिखें नो प्रॉब्लम एट ऑल कोई मसला नहीं है ठीक है आप सार ऑल कैपिटल कर दें ये क्वेश्चन बुकलेट तो किसी ने चेक ही नहीं करना ये तो सीधा सीधा डस्टबिन में जाएगा जो आपकी आंसर शीट होगी वो चेक करेंगे आपके जो मार्कर्स हैं वो तो उसके ऊपर ऑल कैपिटल बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि उससे क्लैरिटी रहेगी अदरवाइज आप फर्स्ट कैपिटल रेस्ट स्मॉल कर दें ऑल स्मॉल कर दें अगर आपकी हैंडराइटिंग क्लियर है तो भी कोई मसला नहीं ओके क्वेश्चन नंबर 18 एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड अब एंटाइटल का वर्ड हमने कल लिस्टिंग में भी सुना था एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड एंटाइटल का मतलब है दे आर अलाउड कि उनको इजाजत है टू सम डैश व्हाइल दे आर वर्किंग अब व्हाइल दे आर वर्किंग अब जरा सुनिएगा गौर से वायल की जगह पे आयल्स में वर्ड आ जाता है ड्यूरिंग वायल की जगह पे क्या आता है ड्यूरिंग अब जरा देखें थर्ड लास्ट बुलेट पॉइंट नजर आ रहे टू हैव ब्रेक्स ड्यूरिंग द टाइम यू आर एट वर्क टू हैव ब्रेक्स का क्या मतलब है इंप्लॉयज आर इंटाइटल टू सम ब्रेक्स बात को समझे इंप्लॉयज आर इंटाइटल टू सम ब्रेक्स के इंप्लॉय को ब्रेक लेने की इजाजत है टू हैव ब्रेक्स ड्यूरिंग द टाइम यू आर वर्किंग ड्यूरिंग और वाइल ये एक दूसरे के सिनोनिम और ये आपको लिस्निंग में भी मिल सकता है रीडिंग में भी मिल सकता है ड्यूरिंग एंड वायल वायल वर्किंग ड्यूरिंग वर्किंग ओके लेट्स गो ऑन अब है इंप्लॉयिज रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है मिल गया अगला पोर्शन आ गया और आंसर सिस्टमेटिकली आगे बढ़ रहे हैं इंप्लॉइज रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहले उन्होंने बात की है ज्वेलरी की मुझे बताएं ज्वेलरी कहां पे दिया हुआ है सेकेंड में इसका मतलब है कि अगला आंसर उससे आगे होगा क्लियर हो गया ना हमने यहां से हेल्प ले ली ज्वेलरी और सेकेंड बुलेट पॉइंट है योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ज्वेलरी का इसका मतलब है कि 19 का आंसर इससे अगले में होगा अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं टू एवॉयड पुटिंग कोलीग्स अब जरा वर्ड अंडरलाइन करें कोलीग्स का और कोलीग्स की जगह पे दे मे यूज द वर्ड फेलोस एम्प्लॉयज फेलोज कलीग्स कोवर्कर्स एनीथिंग लाइक दैट तो क्वेश्चन क्या है टू एवॉइड यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोग पढ़ने लगे थर्ड बुलेट पॉइंट इफ यू हैव लॉन्ग हेयर यहाँ पे बालों की को बात हुई है ना ही इससे अगले बुलेट पॉइंट पे आ जाए टेक रीजनेबल केयर नॉट टू एक्सपोज फेलो इम्प्लॉइज एंड मेंबर्स अब इसको गौर से पढ़िएगा इसका मतलब है कोलीग्स लो एम्प्लॉज एंड मेंस ऑफ दब्लिक टू रिस्क टू रिस्क का क्या मतलब है एट रिस्क टू रिस्क एंड एट रिस्क उसने क्या किया यहाँ पे क्या टेप है टू की जगह पे एट यूज कर लिया है पैसेज में आपको दे दिया वर्ब और क्वेश्चन में आपको दे दिया उसका नाउन एट रिस्क हम नहीं कहते ऐट रिस्क माई जॉब इज एट रिस्क सो आंसर इज रिस्क रिस्क नॉट रिस्क क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू डू एनी डैश दैट इंप्लॉयर ऑफर अब देखने के इंप्लॉयर क्या ऑफर करता है इससे अगले बुलेट पॉइंट में आ जाए टू कॉपरेट विद योर एम्प्लॉयर मेकिंग श्योर यू कंप्लीट द ट्रेनिंग दैट इज प्रोवाइडेड दैट इज प्रोवाइडेड का क्या मतलब है एंप्लॉयर ऑफर और क्या ऑफर कर रहे हैं ट्रेनिंग तो आंसर क्या होगा ट्रेनिंग वेरी गुड बस वही करते हैं ना बात को इधर से घुमा के इधर उठा दिया उधर से उठा के उधर कर दिया एंड ऑल दैट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन टू इन्फॉर्म द इंप्लॉयर ऑफ एनी अब आपने अपने इंप्लॉयर को इन्फॉर्म करने एनी डैश रिसीव वाइल वर्किंग के काम करते हुए अगर आपके साथ कोई चीज हो जाए अब वो क्या चीज है जो हो जिसका आपने इंप्लॉयर को बताना है सो लेट्स गो ऑन इनफॉर्म की जगह पे देखें क्या वर्ड आया कैन यू सी द वर्ड टू रिपोर्ट गुड अब इस पॉइंट को पढ़ते हैं टू रिपोर्ट एनी इंजरीज यू सफर अब सफर की जगह पे वर्ड आ गया रिसीव्ड ठीक है उसके बाद आगे आ गया एज अ रिजल्ट ऑफ डूइंग योर जॉब उसकी जगह पे आ गया वायल वर्किंग आंसर क्या होगा इंजरीज और ये आपका जो वर्ड है ना एनी ये भी बड़ा अच्छा क्लू है वहां पे भी एनी इंजरीज लिखा हुआ है और यहां पे भी एनी इंजरीज लिखा हुआ है सो आंसर इज इंजरीज और दोबारा बोलूंगा जैसे पैसेज में प्लूरल है वैसे ही आप भी इसको प्लुरल लिख लें इंजरीज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू टू मेक श्योर द इंप्लॉयर नोज ऑफ एनी कि जो आपका इंप्लॉयर है मेक श्योर sure करें उसको पता हो यू आर टेकिंग डैश यू आर टेकिंग ट माइट अफेक्ट परफॉर्मेंस क्या आप कोई चीज ले रहे हैं जिससे आपकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ सकता है ठीक है अब देखते हैं मेक श्योर एम्प्लॉयर नोज राइट लेट्स कम टू लास्ट लाइन सारे बुलेट पॉइंट्स के नीचे इफ यू ड्राइव और ऑपरेट मशीनरी यू हैव आ रिस्पॉन्सिबिलिटी अब यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है मेक श्योर यू हैव आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल योर एम्प्लॉयर टू टेल योर एम्प्लॉयर का मतलब है एम्प्लॉयर नोस राइट right? आगे क्या है टू टेल योर एम्प्लॉयर इफ यू टेक मेडिकेशन एनी मेडिकेशन यू आर टेकिंग अब बात को समझें इफ यू टेक एनी मेडिकेशन एनी मेडिकेशन यू आर टेकिंग आंसर क्या होगा मेडिकेशन वेल डन क्लियर हो गया देखिए सारे आंसर सीक्वेंस में हैं जो आपने इसको किया है राइट थैंक यू